नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवीएनएन सिलीगुड़ी और आपके साथ मैं सुप्रिया। वैक्सीन लगना है जरूरी, ये टिप्पणी तो आपने कई बार सुनी होगी। और आज हम खड़े हैं हैदरपाड़ा प्राइमरी स्कूल में, जहां कल भी हमारी एक टीम ने यहां से अपडेट दिया था, जहां कल रात 11 बजे से ही लोग लाइन पे खड़े हो रहे थे वैक्सीन लेने के लिए। और आज भी वैसे ही लाइन देख सकते हैं, यहां तो लाइन है ही, साथ ही में गेट के बाहर भी आप लोग देख पाएंगे। और ज्यादा लोग होने की वजह से गेट पे, दोनों गेट पे ताला लगा दिया गया है। हम सब जानते हैं कि हर एक सेंटर में जब वैक्सीन दिया जाता है तो 200 लोगों को दिया जाता है। आज इसी विषय में आप सभी से एक सवाल पूछने के लिए ये लाइव अपडेट दे रही हूं। सवाल ये है कि क्या वैक्सीन के लिए सिस्टम नहीं होना चाहिए? सिस्टम शब्द जब हम सुनते हैं तो कई बार सिस्टम में आता है। सिस्टम क्या है? किसी भी काम को बिना हिंसा के, बिना दंगे फसाद के शांतिपूर्वक ढंग से किया जाए, उसे सिस्टम कहते हैं। चाहे वो हम देख सकते हैं कि चाहे वो सरकारी काम के लिए हो या फिर बेसरकारी काम के लिए हो, सिस्टम बनाया जाता है ताकि वो काम शांतिपूर्वक ढंग से किया जा सके। चाहे वो राशन का दुकान में ही क्यों ना हो, पोलियो के लिए ही क्यों ना हो, सिस्टम बनाया गया है। अब ये सिस्टम की बात इसीलिए यहां आती है क्योंकि जब वैक्सीन लगना है जरूरी टिप्पणी तो दे दिया, लेकिन लोग रात रात भर लाइन में खड़े रहकर वैक्सीन लेने के लिए आते हैं। चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो बच्चे की माँ हो या कोई भी हो, लाइन में खड़े रहते हैं। और सिर्फ 200 डोज दिया जाता है एक दिन में। मान लीजिए अगर आपका नंबर 201 हो या फिर 202 हो, कई सारे ऐसे तस्वीर भी देखने को मिल रहे हैं जहां पे लोग घंटों तक लाइन में खड़े रहने के बाद भी उन्हें निराश होकर लौटना पड़ता है। ये सुनने के बाद कि वैक्सीन खत्म हो गया है, अब सोचिए उनका हालत कैसा होता है। और शायद आप में से किसी दर्शकों ने भी इस घटना से गुजर चुके होंगे। तब सोचिए, क्या अब भी सिस्टम नहीं बनना चाहिए? यह सवाल आप जनता से है और सरकार से है। मैं फिर से बताना चाहूंगी, मेरी ये सवाल आप सब जनता से है और सरकार से है, कोई पार्टी से नहीं है, ना भाजपा, ना टीएमसी, ना कांग्रेस, ना वामफ्रंट, सरकार से है और आप सभी जनता से है। क्या सिस्टम नहीं होनी चाहिए? अगर सिस्टम लागू होता है तो ऐसी तस्वीरें देखने को ही नहीं मिलेगी, तस्वीरें कुछ अलग होती। लोगों को निराश होके घंटों तक लाइन लेके निराश होके लौटना नहीं पड़ता। लोगों को आज वैक्सीन है, कल रात से ही लाइन लगना नहीं पड़ता। लोगों को एक आश्वासन मिल जाएगा कि उन्हें आज ही वैक्सीन मिलेगा। तो क्या सिस्टम बनना जरूरी नहीं है? ये सवाल आपसे है, आपका राय कमेंट बॉक्स पर दे दीजिएगा। यहाँ के कुछ लोग हैं, हम इनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। भैया आप बताइए, क्या सिस्टम होना जरूरी नहीं है? सिस्टम होना जरूरी है, लेकिन लाइन में खड़ा हुआ है, अभी तक नहीं मिल रहा है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो भी भरोसा नहीं। आप भी क्या वैक्सीन लेने आए हैं? हाँ, वैक्सीन लेने आए। तो आप तो लाइन में नहीं है? लाइन है, हमारा आदमी है, हम थोड़ा गर्मी में थक गए इसलिए। अच्छा, गर्मी में थक गए, कब से है आप? हम तो रात 10 बजे से। देखिए, और एक उदाहरण यहाँ पे, और एक साक्षी यहाँ पे कि कल रात 10 बजे से यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन अभी तक वैक्सीन नहीं लगाया है, अभी तक वैक्सीन नहीं मिला है इनको। ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही है। और जहाँ पे हम ये भी लगातार तस्वीरें देख रहे हैं कि जहाँ घंटों तक लाइन लगने के बाद भी जो लोग निराश होकर लौटते हैं ये सुनने के बाद कि उन्हें वैक्सीन नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि खत्म हो गया है वैक्सीन। तो दंगे फसाद की तस्वीरें तो जाहिर सी है, और ऐसी तस्वीरें बहुत
देखने को भी मिल रही है जहाँ पे दंगे फसाद हो रहे हैं। तो अब भी क्या सिस्टम नहीं होना चाहिए? आप देख रहे हैं, लोग इतने ज्यादा हो गए हैं यहाँ पे कि गेट बंद कर दिया गया है, गेट के बाहर भी कई लोग हैं। अब भी झमेला शुरू हो चुका है यहाँ पे, और ये सिर्फ इस सेंटर में नहीं बल्कि झमेला हर एक सेंटर में हमें देखने को मिलती है। कब से आप लाइन में कब से ना ना बात करना ना ओने उनी दाली अच्छी लाइन में अच्छी ना उनी क्या समस्या हो गया है? समस्या की मैंने आगे से बोले जरा से रात 10টা থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে আছি 9টা থেকে আসি হ্যাঁ 10টা থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে আছি এখন পর্যন্ত আর বাচ্চার মায়েরা মানে যেহেতু বাচ্চার মা আমাদের এখানে কম ছিল তার জন্য যখন মানে বাড়ি থেকে খবর পাচ্ছে ফাঁকা আছে তারা আসছে তাদেরকে ঢুকিয়ে দিচ্ছে আর আমরা যে জেনারেলে যা দাঁড়িয়ে আছি তারা রাত 10টা থেকে সবাই দাঁড়িয়ে আছে এখন পর্যন্ত তাদের পাঁচজনেরও মাথায় একটা দেওয়া হয়। আচ্ছা বাচ্চি কি মা কো দিয়া যা রা হ্যায় বাচ্চার মা নিশ্চয় দেবে তারাও খানিকক্ষণ দাঁড়া আধা ঘন্টা এক ঘন্টা আমরা যে 12 ঘন্টা 14 ঘন্টা দাঁড়িয়ে আছি তারা কি এক ঘন্টা দাঁড়াতে পারবে না? তারা নিশ্চয় এক ঘন্টা দাঁড়াতে পারবে একটা ঘন্টা তাদেরকে দাঁড় করা যে কমসেকম 20টা লোককে দেওয়া হোক তারপর একটা বাচ্চা মাকে দেওয়া হোক কিন্তু সেটা করছে না। এরা কি করছে? শুধু বাচ্চার মাদেরকে দিয়ে চলছে আমাদেরকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। আরে আমরা 14 ঘন্টা ধরে দাঁড়িয়ে আছি খাওয়া দাওয়া বাথরুম সব বন্ধ করে আমরাও তো মানুষ। इसलिए हम ये सवाल आप सभी के समक्ष रख रहे हैं, क्या सिस्टम होना जरूरी नहीं है अब भी? क्योंकि वैक्सीन लगाना है जरूरी तो है, लेकिन इसके वजह से लोगों को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इतने सारे घटनाओं के बाद भी अगर अब भी सिस्टम नहीं बनाया जाए तो फिर आगे आप ही समझिए। ऐसे ही अपडेट के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए जीवी आनंद सिलीगुड़ी। धन्यवाद।